प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे फाइव व्हील चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सुनामी। यही वही सुनामी है जो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आया था, जिसके कारण भारत और भारत सहित कई अन्य देश भी प्रभावित हुए थे, जिसके सदमे से निकलने में भारत और कई देशों को बहुत ही ज़्यादा समय लग गया और कई देश तो आज भी इससे पीड़ित हैं। मरने वाले लोगों की संख्या 3 लाख से भी ज़्यादा थी। ये संख्या इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि ये दिसंबर के महीने में आया था, 26 दिसंबर 2004 को, और लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने गए थे तटीय समुद्र के पास, और अलर्ट पहले से भी जारी था लेकिन लोगों को ये उतना गंभीर नहीं लगा, और इसलिए जब सुनामी आई तो इतनी संख्या में लोगों को क्षति हुई। तो ये इतना विनाशकारी इसका प्रकोप होता है, और प्रकृति बता देती है कि अगर प्रकृति अगर चाह दे तो मानव उसके आगे कुछ नहीं कर सकता है। तो ये सुनामी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप हम आप लोग को दिखाते हैं कि इसके विनाश को कैसे देख सकते हैं आप। देखा आपने कितना विनाशकारी होता है सुनामी। तो समझते हैं इसके एक एक पहलू को। सुनामी ये जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका पहला 3 अक्षरों का, जिसको सु का मतलब होता है हार्बर, और नामी का मतलब होता है वेव। वेव मतलब तरंगे, जैसे आप लोग सुने होंगे कि इससे वेव निकल रहा है, मतलब तरंगे निकल रही हैं। जो शब्द यूज किया जाता है वही ये शब्द है वेव। वेव मतलब तरंगे, और हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। ये दोनों शब्द जिनका ये जापानी भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। तो हार्बर का अर्थ होता है बंदरगाह। तो बंदरगाह, हम लोग छोटे थे तो हम लोग समझते थे कि जहाँ बंदर को मार के गाह दिए जाता है उसको बंदरगाह कहते हैं, लेकिन बंदरगाह बाद में धीरे धीरे हम लोग पढ़े तो पता चला कि बंदरगाह उस जगह को कहते हैं जहाँ से समुद्र का जग के पास का वह क्षेत्र जहाँ से आयात निर्यात समुद्री जहाज़ों द्वारा होता है, ठीक है, माल उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, तो जिस प्लेस से ये काम होता है उसको बोलते हैं बंदरगाह। लेकिन छोटी बचपनों में तो बहुत सारे हम लोग बातों को बहुत दूसरे वे में ले लेते हैं कि ये बंदरगाह है। हार्बर का मतलब बहुत बार सुने होंगे, पर्ल हार्बर। तो ये हार्बर शब्द यहाँ पर इस्तेमाल क्यों किया गया है? तो ये जापान जो है, जो जापान की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो टिकी हुई है बंदरगाहों से। उसका पूर्वी क्षेत्र ले लीजिए, पश्चिमी क्षेत्र, चारों ओर उसके बंदरगाह ही बंदरगाह हैं। तो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी बंदरगाह पर टिकी हुई है, और जब भी सुनामी आती थी तो बंदरगाहों को प्रभावित करती थी, तो इसलिए उन्होंने एक टर्म दिया, शब्द दिया सुनामी, तो जिसका अर्थ होता है हार्बर और वेव। तो बंदरगाह और तरंग, इससे उन्होंने इसका परिभाषा दिया था कि तरंगे जो बंदरगाहों को प्रभावित करें, या वैसी सागरीय तरंगे जो भूकंप से उत्पन्न होती हैं, जो समुद्र में भूकंप आते हैं उनसे जो उत्पन्न होती है तरंगे, उनको कहते हैं सुनामी। तो समझ गए आप। अब नेक्स्ट समझते हैं कि जो सुनामी जो आती है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है इसका प्राकृतिक, जिसमें आता है भूकंप, ज्वालामुखी, हिमखंड, उल्कापिंड और भूस्खलन। ये प्राकृतिक कारक है। तो सबसे पहला जो है वो भूकंप है। जब प्लेटें, आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है प्लेटों की बनी होती है, टेक्टोनिक प्लेटों की, और जो एक दूसरे से जब प्लेट टकराते हैं तो प्लेट के टकराने से क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, और जो कंपन जब समुद्र में उत्पन्न होता है तो लहरें खूब ऊंची उठती हैं, 30-30 मीटर तक ऊंची उठती हैं, और उठने के बाद क्या होता है, नीचे गिरती हैं अपनी पुनरावस्था को प्राप्त करने के लिए। तो जब पानी ऊपर उठकर फिर गिरेगा तो फैलेगा, प्रसार होगा। जैसे आप नहीं देखते हैं कि एक ढेला अगर पानी में या कंकड़ का पत्थर को लेकर पानी में मारते हैं तो रिंग बनता है, जब गिरेगा तो ऊंचे पानी के छींटे बनेंगे और थोड़ी देर बाद रिंग बनने लगेगा। तो उसी तरह ये होता है। तो जब ऊपर पानी उठेंगी और गिरेंगी तो उसकी तीव्रता के कारण, प्रहार के कारण रिंग बनेंगे, और जब ये तरंगे वेव जब जाकर तटों पर टकराएंगी तो उसी के कारण सुनामी उत्पन्न होगी और जनजीवन को हानि होगी। तो ये पहला कारण भूकंप हो गया। दूसरा है ज्वालामुखी। अगर समुद्र के पास ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय हैं तो उनको
उन वे जब फटती हैं तो उनसे क्या निकलते हैं, लावा निकलते हैं, बहुत सारे धातु जो गलित अवस्था में रहते हैं वे निकलते हैं। जब उनके छींटे ज्वालामुखी या लावा के छींटे जो पड़ते हैं समुद्र में, तो क्या होता है कि पानी ऊंचा उठती हैं और उनकी लहरें तेज जाती हैं और समुद्र से टकरा कर सुनामी उत्पन्न कर देती हैं। तो ये पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्रों को, समुद्र के आसपास के क्षेत्रों को, लोगों को पहले से ही अलर्ट जारी करके वहाँ से हटा दिया जाता है। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा हमारा कारण है हिमखंड। जब हिम मतलब बर्फ के पहाड़ जब टूटते हैं तो इनसे भी समुद्र में सुनामी उत्पन्न होती है। कैसे कि जब ये पहाड़ है और ये पहाड़ का ये वाला हिस्सा टूटकर अगर मान लीजिए गिरता है तीव्र वेग के कारण, या इसका मानवीय कारक में भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये बहुत ही शीघ्रता से पिघल रहे हैं हिमखंड, तो उससे क्या होगा कि ये पिघल कर पानी में आएंगे और पानी का क्या होगा, लहरें तेज हो जाएंगी और लहरें तेज होने से जाकर तटों से टकराकर सुनामी उत्पन्न कर देंगे। तो ये हिमखंड भी एक कारण हो सकता है। कमेंट में आंसर दीजिए कि आइसक्रीम का हिंदी में क्या नाम होता है, ठीक है। अब चौथा कारण है हमारा उल्का पिंड। जब देखते हैं कि जब उल्का पिंड गिरता है तो अगर वो गिरता है अगर समुद्र में तो उतने नीचे जाता है उस जितना वजन होगा, और नीचे जाने के बाद जब उतने आयतन वो घेरता है उसके बाद उतनी लहरें ऊंची उठ जाती हैं, 30-30 मीटर ऊंची उठती हैं, और उठने के बाद फिर से अपनी बहुत ही दर्दनाक तरीके से फैलती हैं चारों ओर और वहाँ के जनजीवन को हानि पहुँचाती हैं। तो ये उल्का पिंड भी एक कारण हो जाता है। और अंतिम हमारा कारण है भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग। अगर मान लीजिए कि अगर ये कोई पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पर कोई पेड़ है, ठीक है, अब ये जो पेड़ है यहाँ पर ये जो मिट्टी को तो अपने जड़ों से बांधे हुए हैं, अगर हम पेड़ों को काट देते हैं तो ये पेड़ जो स्खलित जो जड़ मिट्टी होगी वहाँ से निकलना चालू हो जाएगी, यहाँ की मिट्टी लूज होकर बहने लगेगी और बारिश से बहने लगेगी, तो ये मिट्टी क्या होगी, इसके तलहटी में अवसाद जमा कर देंगी और अवसाद जमा कर देंगे और मिट्टी के गिरने से एक वेग उनको मिल जाएगा, लहरों को एक वेग वेलोसिटी मिल जाएगी, उसके कारण क्या होगा कि ये सुनामी का रूप ले लेंगी। तो ये हमारे थे प्राकृतिक कारक जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं है, इन कारणों से सुनामी उत्पन्न हो जाती है, ये प्राकृतिक कारक। अब देखिए दूसरा हमारा कारक है मानवीय कारक जिसमें मानव का हस्तक्षेप है, ठीक है, जिनके कारण सुनामी उत्पन्न होती है। सबसे पहला परमाणु परीक्षण, हम लोग परमाणु बम अणु बम सभी बना रहे हैं और इसको परीक्षण करने के लिए हम लोग ले जाते हैं समुद्रों में, जितना ही ज़्यादा मानव विकसित हो रहा है वो एक दूसरे की जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है, ये मिसाइल वो मिसाइल परमाणु बम पनडुब्बी ये सब अपने को सुरक्षित करने के चक्कर में इतना ना खुखार होते जा रहा है सभी देश, एक देश की बात करें ये ऐसा नहीं हो सकता, सभी देश अपने को सुरक्षित करने के और दूसरे को मर मिटाने के लिए हथियाने के लिए उसका ज़मीन कब्ज कर लें, उस सब कुछ हड़प लें, सभी देश पर हम शासन करें इस नीति के कारण, तो सभी देश परमाणु बम अणु बम बना रहे हैं, तो उनको परीक्षण के लिए लाते हैं ये लोग समुद्र में, और जब समुद्र में इनको परीक्षित करते हैं तो ये फटते हैं और फटने के बाद बहुत ही ऊँची लहरें उठती हैं, 100-100 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं, और ऊंची लहरें उठने के बाद जब ये गिरती हैं तो बहुत ही भयानक विनाशकारी रूप ले लेती हैं, और विनाशकारी रूप लेने के कारण वहाँ के तटों को प्रभावित करती हैं, वहाँ के लोगों की जान ले लेती हैं। तो पहले से अलर्ट जारी कर दिया जाता है परीक्षण जहाँ होता है, लेकिन ये एक कारण है, मानवीय कारण है जो परमाणु परीक्षण से उत्पन्न होता है, इससे सुनामी उत्पन्न होती है। दूसरा हमारा कारण है वृक्ष कटाव। वृक्ष क्यों काटे जा रहे हैं, देखिए जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, किसी भी देश की बात करें जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या करेंगे, जंगल में तो आदमी रहेगा नहीं, तो जंगलों को काटेगा और अपनी मूलभूत आवश्यकता क्या है उसकी, रोटी कपड़ा मकान खाना पीना रहना, तो उसके लिए क्या करेगा, जंगलों को काटते जाएगा और वहाँ पर खेती के लिए ज़मीन बनाएगा, अपने लिए रहने का मकान बनाएगा, तो वो क्या होगा, अब उतने दूर के वो ज़मीन को काट दिया तो वृक्ष को काट दिया, और वृक्ष कटने से क्या होगा कि लैंडस्लाइडिंग होने लगे, या लैंडस्लाइडिंग से क्या होगा कि सुनामी उत्पन्न हो जाएगी। तो ये एक वृक्ष कटाव भी कारण हो जाता है। तीसरा हमारा कारण है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, आजकल हम लोग एक मोटो पर चल रहे हैं, बहुत से अशिक्षित लोग भी हैं इसके कारण कि हम दो हमारे गिन लो, हम रिकॉर्ड बना देंगे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में, एक गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में लोग ये भूल गए हैं कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उनके डिमांड को पूरी करने में ही वे बिक जाएंगे, तो जनसंख्या बढ़ाने का नहीं चाहिए, हम दो हमारे दो, यही नीति है सरकार की, आप सभी को हमको भी सब किसी को मानना चाहिए, ठीक है, कि जनसंख्या को नियंत्रित करें,
जनसंख्या ज़्यादा होगी तो आपके माता पिता को भी दिक्कत होगी, हमारे माता पिता को भी दिक्कत होगी, आपको भी सुविधा नहीं मिल पाएगी। अगर मान लीजिए आप कि आपके माता पिता के आप ही अकेले संतान हैं तो जितने भी कपड़े आएंगे, एक कपड़ा आपको जहाँ मिलना चाहिए दो कपड़े तीन कपड़े खरीदे जा सकते हैं। एक डिब्बा मिठाई आता है तो आपको आप मम्मी पापा दो तीन मिठाई खाएंगे, समोसा खाएंगे, आप सब खा जाइएगा। अगर वही रहेगा पाँच सात रहेंगे तो आपको थोड़ा सा मिलेगा समोसा का तिकोना सा मिलेगा, चट के हो गया मुँह बन गया। तो इसीलिए जनसंख्या से आपको भी संसाधन छीन जाएंगे, तो ये कारण हो जाता है जनसंख्या विस्फोट का। अब देखिए, अब समझते हैं कि सुनामी के प्रभाव क्या है, कि सुनामी के आने के बाद क्या क्या प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव है कि भू आकृतिक परिवर्तन। जब सुनामी आती है तो नक्शे से कितने सारे स्थानों को गायब कर देती है। जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत है और ये समुद्र है, समुद्र के बीच में कोई टापू है, द्वीप है। अगर ये लहरें तेज होती हैं तो क्या होगा, अगर टापू के पास द्वीप पर कोई रहता है लोग, जैसे आप लोग सुने होंगे कि अंडमान निकोबार में एक रंगून जगह है, वो द्वीप वाला एरिया है, ठीक है। तो अगर उस जगह पर अगर मान लीजिए सुनामी का लहर तेज होगा तो वहाँ के लोगों को मार डालेगा। तो बीच में अगर आप यहाँ पर हैं और चारों ओर से पानी से घिरे हैं तो पानी में कितना दूर तैरिएगा, आपसे तो ज़्यादा तेज ना वो दौड़ेगा। पहले वीडियो में क्लिप में आप देखेंगे कि कितने लोग भाग रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे आप मोटरसाइकिल अगर जहाज से बच पाइएगा वहाँ से, तो गिरेगा तो सीधे दांत चिया दीजिएगा, मच्छर बन जाइएगा। तो वही है, तो इतने दूर की भौगोलिक आकृति को वो गायब कर देता है, नक्शे से मिटा देता है, मिट्टी को उखाड़ कर रख देता है। तो ये पहला कारण है भू आकृतिक परिवर्तन, भूमि की आकृति में परिवर्तन कर देता है। दूसरा है जन धन को हानि। जो भी लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, फैक्ट्रियां बैठाई जाती हैं समुद्र के किनारे क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़िया से मिल सके, लोग वहाँ पर मछुआरे रहते हैं मछली पालन के लिए, समुद्र से मछली मारते हैं, उन्हीं से उनकी जीविका चलती है। तो अगर सुनामी की लहरें तेज आकर उनको भी क्षति पहुंचाती है तो जन धन की हानि भी हो सकती है। कई कई करोड़ों के प्लांट फैक्ट्री बैठाए जाते हैं समुद्र के किनारे, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो ये जन धन की हानि भी पहुँचती है सुनामी के आने से। तीसरा कारण है उपजाऊ मिट्टी का ह्रास। जो खेती करने योग्य भूमि है उसका ह्रास हो जाता है। कैसे, जब सुनामी आती है तो अपने साथ पानी को बहा कर लाती है, और ये पानी तो समुद्र का खारा होता है, और खारे पानी को जब लाती हैं तो ये उपजाऊ मिट्टी में मिलकर अब वहाँ की मिट्टी खारा हो गई। तो खारा मिट्टी में तो हर अनाज उगेगा नहीं, तो वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का भी ह्रास हो जाता है, हर अनाज को आप उगा नहीं सकते हैं। अब कई कई सालों तक वहाँ की मिट्टी खारी है, और वहाँ पर यूरिया डाई पोटास पोटास छिड़कने से थोड़ी होगा वो नीमन। तो तीसरा कारण हो जाता है। चौथा कारण है तटीय वनस्पति का ह्रास। तटीय वनस्पति में सबसे प्रमुख होता है मैंग्रोव। मैंग्रोव जो होता है उसको कहा जाता है कि समुद्री विस्तार को रोकता है। ये समुद्र के किनारे होते हैं, ये अपने जड़ों से बांधे रहते हैं मिट्टी को, जिससे मृदा अपरदन नहीं होता है, स्खलन नहीं होता है, तो सुनामी की भी आशंका कम बनी रहती है। लेकिन जब सुनामी आती है तो ये इनके सामने बौने पड़ जाते हैं, हाथी के सामने चींटी, ठीक है, तो ये उनको भी उखाड़ कर फेंक देती है। नारियल भी देखे होंगे आप लोग समुद्र के एरिया किनारे किनारे नारियल बहुत ज़्यादा संख्या में फलते हैं, तो ये उनको भी उखाड़ कर फेंक देती है। तो ये सुनामी का एक प्रभाव है। और पांचवा है नदी के डेल्टा में परिवर्तन। डेल्टा जब नदी बहती है तो अपने साथ अवसाद लेकर आती है, कचड़े को लाती है, और जब कचड़े को जमा होते जाते हैं तो उनको बोला जाता है डेल्टा। तो जब सुनामी आएगी तो इसकी धारा भी तीव्र रहेगी, और उसके कारण क्या होगा, डेल्टा का भी परिवर्तन हो जाएगा, डेल्टा बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। तो भारत का एक प्रमुख डेल्टा, उसका नाम आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, जो भूकंप आता है समुद्र में जिसके कारण सुनामी उत्पन्न होती है उसको कैसे आते हैं, देखिए, जो हम बताएं कि पृथ्वी जो है प्लेटों से बनी हुई है, टेक्टोनिक प्लेटों से, ठीक है। तो जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तो क्या होता है, ये ऊपर की ओर इनका कंपन उत्पन्न होता है, इस तरह वेव्स, ठीक है। देखिए इस फोटो में यहाँ पर टकराई है, तो ये जहाँ से ये उत्पन्न होता है इसको बोला जाता है फोकस। और पृथ्वी के तल से जो दूरी, जहाँ पृथ्वी का केंद्र जिसको ये चुनती है अपने कंपन को निकालने के लिए, उसको बोला जाता है एपी सेंटर, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, ठीक है। तो यहाँ से ये रिंग कंपन करते 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 प्लेटों के टकराने के कारण ये ऊपर आती हैं समुद्र के तल पर, और समुद्र के तल पर आने के बाद ये ऊपर समुद्र का पानी उठता है,
और पानी उठने के बाद ऊपर उठ जाएगा और फिर अपनी पुनर्वस्था को प्राप्त करने के लिए गिरेगा, और गिरने के कारण क्या होगा, रिंग उत्पन्न। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई कंकड़ फेंकते हैं पानी में तो क्या होगा, वेव्स बनने लगेगी। यही सब वेव्स जो हैं इस तरह फैल कर जाएंगी, फैलते फैलते जाएंगी, टकराएंगी तट से, और तट से टकराने के बाद ये मुड़ जाएंगी और विनाश उत्पन्न कर देंगी। ठीक है, तो सुनामी उत्पन्न होगी। तो यही है कि जब प्लेटें टकराएंगी तो ऊपर पानी उठेगा और पानी की पुनरावस्था प्राप्त करने के कारण ये तटों से टकराएंगी और टकराने के बाद सुनामी उत्पन्न होगी। तो आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा। तो देखिए कि इसको आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं कि देखिए, ये आपके पानी है जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये ओशन है। ठीक है, तरंगे इस तरह चल रही हैं। तो तरंग की जो ये लंबाई है, एक चोटी से एक चोटी की लंबाई जो है उसको बोला जाता है वेवलेंथ। ठीक है, कि तरंग की लंबाई क्या है, तो वेवलेंथ, और इसकी ऊंचाई को कहा जाता है आयाम। ठीक है, यहाँ पर दो टर्म यूज किए गए हैं तो उसको मैंने बता दिया। स्पीड तो आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए, जब ये तरंगे आएंगी और जब समुद्र के तट पर टकराएंगी तो ये उठेंगी, पानी टकराएंगी और समुद्र के तटों पर आकर ये टकराएंगी। जैसे मान लीजिए आप कोई खूब तेज गाड़ी चला रहे हैं, अगर कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो ब्रेक मारिएगा तो टकराने के बाद गाड़ी उठ जाएगी, जाहिर सी बात है। उसी तरह ये खूब तेज वेग से जब फैल रही हैं और उसके सामने अगर कोई रुकावट आ रहा है तो ये ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठने के बाद अगर यहाँ पे घर वगैरह है, कुछ भी है, यहाँ पर घर है, पेड़ वगैरह है, तो ये उनके ऊपर गिरेंगी, फैक्ट्री वैक्ट्री सब को नष्ट कर देंगी। तो यही है, देखिए वेवलेंथ जो है मिड सी में, मतलब समुद्र के बीचों बीच इनका जो वेवलेंथ होता है 200 किलोमीटर का रेंज बन जाता है, वेव्स का जो वेवलेंथ होता है 200 किलोमीटर। लेकिन जब ये कोस्टल एरिया, मतलब जहाँ समुद्र का तट है, वहाँ पर ये 10 किलोमीटर हो जाती हैं। तो जब 200 किलोमीटर की चीज़ को आप 10 किलोमीटर के एरिया में कंप्रेस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये ऊंचाई पर उठ जाएंगी, और ऊंचाई पर उठने के बाद क्या होगा कि ये सुनामी क्षति पहुँचाएंगी। ठीक है, और आयाम देखिए, आयाम के शब्दों में कहें तो देखिए, आयाम यहाँ पर बहुत ही कम है। तो इसके कारण अगर आप देखिए, कोई समुद्र में अगर सुनामी आती है, अगर कोई नाव तैर रहा है तो बीचों बीच उसको कुछ पता नहीं चलेगा, कंपन के कारण ये फैलेंगी। सुनामी तो समुद्र के तटों पर ना उत्पन्न होती हैं, ये तो बीच में रिंग बनेगा तो इनको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका आयाम, मतलब चोटी की ऊंचाई जो वेव की होती है, तल से ऊंचाई जो होती है 1 मीटर होती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है तटों पर, तो तटों पर कोस्टल एरिया में इनकी हाइट हो जाती है 30 मीटर। तो 30 मीटर ऊंची उठने के बाद अगर ये किसी भी एरिया में जाती है तो वहाँ पर तो बहुत ही गंभीर नुकसान पहुँचाएंगी। तो यहाँ पर देखिए हाई स्पीड हो जाता है और यहाँ पर लो, ठीक है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये सुनामी का प्रकोप था। तो इसको आपने समझा, समुद्र के नीचे कुछ भी पता नहीं चलेगा बीच में सुनामी का। अब देखिए, जब ये तटों पर पहुँचेंगी तो इनका हाइट हो जाएगा करीब करीब 30-30 मीटर उठ जाता है, और 30-30 मीटर उठने के बाद क्या होगा, ये आएंगी यहाँ पर, सब कोई नाव में बैठा है, कपड़ा खोल कर लेटा रहा है, गर्मी ले रहा है, तो पता चलेगा इतना गर्मी दे दीजिए छाती प्लास्टिक बन जाएगा। तो देख लीजिए, यही होता है कि जब आएंगी और टकराएंगी तो ये उठने लगती हैं भवंडर जैसे, और उठकर गिरती हैं, तो सब किसी को मच्छर बना देती हैं, इनको चूना पत्थर बना देती हैं। इसका देख लीजिए नुकसान क्या क्या होता है, पूरा जानमाल का क्षति होता है, घर घर डूब जाते हैं, घर टूट जाता है। अब भाई देखिए, इतना ना सुनामी तेज आया कि नावे को बहा कर छत पर चढ़ा दिया है, ये देखिए इस डायग्राम में छत पर चढ़ गया है। ठीक है, जो 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी, उसका ये झलक है कि समुद्र को उठा कर लेते आई है, ये चाइना टाइप का कोई जहाज़ है उसको टांग कर लेते आई है। देखिए नहा जहाज सब डूब जाते हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, बहुत ही गंभीर नुकसान होता है। तो देखिए, अब इससे बचने के लिए कि पूर्वानुमान कैसे लगाया जाए, तो एक डार्ट डिवाइस होता है जो भूकंप का पूर्वानुमान देता है समुद्र की सुनामी आने वाली है। तो देखिए ये क्या होता है कि समुद्र में तैरते रहेगा, और जैसे इसको पता चलेगा इसका जो रेंज होता है वो समुद्र के बहुत नीचे की चीज़ों को भी बता देगा कि ये भूकंप आने वाला है। तो मान लीजिए अंडमान निकोबार में आप इसको सेट कर दिए डार्ट को, और डार्ट को सेट कर दिया और इसका सेंटर मान लीजिए हैदराबाद में है, तो क्या होगा, 8 घंटे पहले ही आपको सूचना दे देगा कि सुनामी आने वाला है, तो यहाँ के तट के लोगों को आप हटा देंगे। ठीक है, तो इस कारण से ये डाट बहुत ही सुरक्षा प्रदान करता है हम लोग को कि सुनामी आने वाली है इसके पूर्वानुमान देने में। तो डाट का फुल फॉर्म लिखा गया है यहाँ पे, डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग टू सुनामी, मतलब सुनामी।
ठीक है, तो मतलब पहले से ही रिपोर्ट कर देगा आपको कि सुनामी आने वाली है, तो आप बच जाएंगे। तो डैट समझ गए। तो आप देखिए अगली वीडियो में हम आपको एक छोटे से क्लिप के माध्यम से दिखाएंगे कि कितना विनाशकारी होता है, जनजीवन को क्षति पहुंचाता है, इससे आप कितना भी भागने की कोशिश करेंगे नहीं रुक सकता है। तो प्रकृति रह रहकर आपको समझा देती है कि कितना भी मानव बड़ा बन जाए लेकिन प्रकृति के सामने वो तुच्छ है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो देखिए, इंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।